हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने 11th का अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर वो अच्छे से समझ आया होगा। आज हम जर्नल, नेक्स्ट चैप्टर जर्नल का लेक्चर 1 है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग ऑफ जर्नल पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस दे आर एंटर। मतलब जर्नल में सबसे पहले हम प्राइमरी एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन से एंट्री करते हैं इसको सबसे पहले। और दूसरा क्या होता है इसको? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस वाइज करते हैं, मतलब पहले डेट वाइज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट डेट है, सेकंड है, थर्ड है, सीक्वेंस वाइज करनी है इसको, डेट वाइज 1, 2, 3। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, सबसे पहले इसमें एंट्री करेंगे, उसके बाद इसको कौन से ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज करेंगे, डेट वाइज 1, 2, 3 एक्सेट्रा। अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। देखो इसके रूल्स दो तरीके से हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच पहले चलती थी, आज देखो ये, इसके 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पहले देखो, 3 अकाउंट होते हैं इसके, पर्सनल अकाउंट, ये है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? जैसे कि जो नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेट करता है। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे कोई राम, श्याम एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई कंपनी का नेम आ गया, उसको हम पर्सनल अकाउंट में काउंट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। लेने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। अगर राम पैसा ले रहा है तो राम को हम डेबिट करेंगे, अगर राम दे रहा है तो राम को हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट रिलेटेड विद एसेट्स एंड लाइबिलिटी। रियल अकाउंट हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेट करता है। जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है, जैसे फर्नीचर आ रहा है हमारे पास तो उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर फर्नीचर जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट, जो चीज़ जा रही है उसको हम क्रेडिट। अगला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट विद इनकम एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट हमारा इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेट करता है। जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस को और सारे लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। जिसकी रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, कुछ भी है, उसको हम सब डेबिट करेंगे। और कोई इनकम है हमारी, कोई इनकम हो रही है हमारी, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, इस तरीके से कर सकते हैं हम क्वेश्चन। और दूसरा तरीका है हमारा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स 5 तरह के होते हैं, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स में आपका आ गया कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, डेटर्स एक्सेट्रा, उसको एसेट्स होते हैं। और एक होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से हो गए आपके? रेंट, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। अगर ये आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं आपके, तो डेबिट। एसेट डिक्रीज हो रहे तो आपके क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, और डिक्रीज हो रहे हैं तो आपके क्रेडिट। और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। कैपिटल में क्या आ जाते हैं आपके? कैपिटल जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है। कैपिटल अगर आपकी बढ़ रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या आ जाता है आपका? संडी क्रेडिटर्स वगैरह। क्रेडिटर्स आपके अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके हो रहे तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू। भी आपकी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। अब है इसका एक याद रखने का तरीका, देखो क्लियर।
CLEAR, CLEAR, क्लियर रूल। देखो CLEAR, CLEAR, क्लियर। सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लाइबिलिटी, ई मतलब एक्सपेंसेस, ए मतलब एसेट्स, आर मतलब रेवेन्यू। अगर आपकी कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू डिक्रीज़ होते हैं, तीनों चीज़ें अगर डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट, और इंक्रीज़ होती हैं तो वो क्रेडिट। और ये ई मतलब एक्सपेंसेस, ए मतलब एसेट्स, ई मतलब एक्सपेंसेस, ए मतलब एसेट्स। अगर ये आपके इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट। ये याद करने का तरीका है, CLEAR, क्लियर। इसको याद करोगे तो बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ये आप कभी भूल नहीं पाओगे। इसको एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट। और कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट। आपके जनरल के रूल्स कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को आपने बार बार देखना है, तब आपको जनरल के रूल्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और कल हम इसका फॉर्मेट और जनरल एंट्री करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।